आज मैं आपको स्टार्च, मैं स्टार्च कौन सा यूज़ करता हूँ साड़ियों के लिए। मैंने ऐसी वीडियो 2-3 पहले बनाई है, लेकिन बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप कि आप साड़ियों के लिए स्टार्च के लिए, रोल पॉलिश के लिए, रोल प्रेस के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो मैं चलो आपको स्टार्च दिखाता हूँ, जो मैं मेरे इस स्प्रेयर में डालूँगा वो भी दिखाऊंगा, और जो साड़ी में डायरेक्टली स्टार्च करूंगा तो कैसे करूंगा। और एक बात और, ये स्टार्च क्या है, मैंने कैसे इसे बनाया है, ऐसी एक वीडियो है जो आप कैसे मैंने स्टार्च बनाया है, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक कॉर्नफ्लावर होता है, मक्का कहते हैं आप इसे, जिससे ये स्टार्च पाउडर बनता है, और स्टार्च पाउडर हम स्टार्च के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लॉन्ड्री ओनर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप अगर घर पे भी कर लेंगे स्टार्च का, साड़ियों को या कपड़ों को करना चाहते हैं, तो ये बहुत चीप है और सबसे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी बहुत पहले दूसरे दूसरे मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा है, अवेलेबिलिटी है मार्केट में, अवेलेबल रहता है, और इजी टू मेक है। तो हाउ टू स्टार्च मेक एट होम, ऐसी एक वीडियो है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो तो देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्च है, ये इस तरह से होता है, इसे हमने एक बार छाना था, अभी इसे मैं और एक बार छानूंगा। ये स्टार्च कल का है, क्योंकि कल हम हॉस्पिटल में थे, इसके लिए मुझे कल रोल प्रेस का काम नहीं कर सका मैं। तो चलो आज इसे इसे यूज़ करते हैं हम। तो इतने मटेरियल में मेरी 2 साड़ियाँ रोल प्रेस हो जाएगी, इतने मटेरियल में हमारी 2 या 3 साड़ियाँ रोल प्रेस हो जाने वाली है, स्टार्च हो जाने वाली है। डायरेक्ट स्टार्च में डिप करेंगे हम इसे, तो ये 2 साड़ियाँ हैं जो हमें स्टार्च करनी है, इन्हें आप स्टार्च करके आयरन भी कर सकते हैं। साड़ी को ऐसा पकड़ना है, thank you.
पहले जो मटेरियल बनाया था उसमें ये दो साड़ी स्टार्च हो गए, रोल ड्रेस हो गई। अब जो मटेरियल बनाऊंगा उसमें साड़ियाँ स्प्रे करूंगा। तो इस तरह से बहुत ही नॉर्मली स्टार्च लेना है। साड़ी ज़्यादा थिक नहीं हुई तो चलेगा, साड़ी ज़्यादा रफ नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर स्टार्च के स्टेन नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से मैं स्टार्च, इससे साड़ी पॉलिश होती है, अच्छे से शाइन करती है साड़ी। तो चलो अब देखते हैं वो भी काम।